गरीबी और गरीबों के आंकड़े 2014 के बाद से बेतहाशा वृद्धि हो गई। देश में हजारों लोगों की नौकरी छिन गई। जिस तरह के दावे 2014 में किए गए थे, वो भी भाजपा के द्वारा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर लोग अब यह सोचने लगे हैं कि अच्छे दिन इतने अच्छे होंगे कि जीना दुर्भर हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास तो नहीं, पर दो का साथ और दो का विकास जरूर हो गया। और मजाल क्या कि गोदी मीडिया हकीकत जनता तक पहुंचाए। आज हमारे देश के किसानों की दयनीय दशा होते जा रही है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनके द्वारा उपजाए गए खाद्य पदार्थ के उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई किसानों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। न तो भरपेट खाना अपने बच्चों को खिला पा रहे हैं और न ही अपने घरों में पाले गए मवेशियों को खिला पा रहे हैं। इसलिए कोई अपनी गाय तो कोई अपना बकरी बेच दे रहे हैं ताकि घर में बच्चे भरपेट भोजन कर पाए। यह नजारा कर्नाटक के संगमेश्वर गांव का है, जहां किसान अपने मवेशियों को बेचने के लिए आए हुए हैं ताकि उनके द्वारा पाला गया जानवर भूख का निवाला न बन जाए। हम जब बाजार पहुंचे तब हमने एक महिला को देखा जो बकरी के दो मासूम बच्चों के साथ बकरी बेचने आई हुई थी, जिनसे हमने बात की पर कोई जवाब हमें नहीं मिला। शायद उसे यह पता था कि उनके तकलीफों का हल मेरी बातों से नहीं हो सकता। वहीं हमने दूसरे किसान से बात किए कि क्या अपना बैल किसी कसाई को बेचना पसंद करेंगे, तो उनका साफ कहना था नहीं। तकरीबन 50 साल हो गए मैं, मतलब 50 साल से इस तरह की मंडियां हैं। हाँ, मंडियां हैं। आपसे, आप किसान हो या क्या हो आप? मैं किसान हूँ। ये बताएं कि यहाँ पे जमुमन जितने भी देखे जा रहे हैं, किसानों ने ही अपने गाय भैंस बेचने के बकरियां लाके रखी हुई है। हाँ। उनकी क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है कि बच्चे की तरह पालते हैं उसको और उसके बाद वो उसको उठा के बाजार में बेचने के लिए आ जा रहे हैं? तो कोई किसी से अगर प्यार करता है, जानवरों से प्यार हो जाता है, तो कैसे बेचते हैं वो? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मजबूरी है इंसान की? इसके पीछे अभी कैसा है, खेती में कोई भी अगर अनाज ले उसका एक तो मार्केट नहीं मिलता है जी। अगर ये जानवर पालना है तो इनको भी बहुत सारा खर्चा भी होता है जी, और मजबूरी में कुछ बेचना पड़ता है जानवर भी। यानी कि आज के तारीख में आप जी, आप कहना ये चाहते हो कि आज के तारीख में किसानों की दशा जो है खराब हो चुकी है, माली हालत ठीक नहीं है और वो खुद के परिवार को पालना तो दूर, जानवर को कहाँ से पालेंगे? हाँ सर, क्योंकि अभी पूरा उसका खेती का अनाज बोलो, जो भी होना है वो बोलो, या जो भी खेती के अंदर काम करना है, ट्रैक्टर लगाना है या उसका खर्चा बढ़ गया है, फिर मजूरी बढ़ गया है, इस तरह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो जानवर पालना भी बड़ी दिक्कत की बात आ रही है। अच्छा, तो हम जिसको ज़रूरतमंद है उसको हम बेच देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दलाल को हम ये मतलब कहीं जाके ये नहीं हो जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंडी में आए हुए एक स्थानिक से हमने बात किए, पर आज देश की हकीकत कोई सरेआम बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिसने सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किए वह सीधे जेल पहुंचा दिए गए या उसे इतना उलझा दिया गया कि उनकी जिंदगी उन्हें खुद नरक नजर आने लगी। हालात अब पहले से ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं और महंगाई महसासुर की तरह मुंह खोले जा रही है। साहेब काजू की रोटी लपेट रहे हैं और जनता खून के आंसू रोने पर मजबूर है, पर हड्डी और बिस्कुट पर चलने वाले गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर पा रही है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। भारत में आज भी बहुसंख्यक जनता ऐसी है जिनका जीवन खेती पर ही निर्भर है, लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से किसानों की दयनीय दशा बन गई है। हर तरफ हर चीज़ों की कीमतें महंगी हो गई, जैसे कि आप जानवरों का चारा ले लें या खेत में लगने वाले खाद, किसान के अब उतनी शक्ति नहीं बची है कि वह खेत में खाद डाल सके या जानवरों को पाल सके, और अंत में वो इतने मजबूर हो जा रहे हैं कि उनकी जो खेती में जो उपजाते हैं बाजार में ले आते हैं, बाजार में उनको जो लागत लगती है, लागत भी निकलना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि आज के तारीख में बहुसंख्यक लोग अपने खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी के लिए निकल पड़े हैं, अपने जानवरों को बेच दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस महंगाई में ये बेच कर ही कम से कम उनके बच्चों का पेट भरा जा सके, कुछ दिन उनका गुजर जाए। तो महंगाई का आलम यह है कि जिस जानवरों को वो प्यार से पालते हैं बच्चों की तरह, लेकिन अंत में मजबूर होकर उसे खुले बाजार में बेच देना पड़ता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साह, कर्नाटक। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम इसी तरह की कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।